तो भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से। मेरे टाइम फिटनेस जय श्री राम दोस्तों एंड राधे राधे। तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है और भाई आज से अपना दोबारा से डाइट प्लान अपना स्टार्ट करते हुए ओट्स और अंडे और साथ में भाई नारियल पानी, मैडम के लिए नारियल पानी भी ले आए और फ्रूट्स काट के लेंगे और फटाफट से पहले अपनी मील खा लेता हूँ क्योंकि एक बार जिम पे जाना है क्योंकि मैडम को सुबह ही मील दे दी थी और बहुत सारे काम भी आज यार। आज शादी में भी जाना है शाम को, तो देखते कैसे कैसे जाऊँगा और क्या खाऊंगा क्या नहीं, ठीक है ना। देखो वैसे डाइट पे रहने का है ना एक अलग मजा है, उससे ना एक आपका रूटीन बन जाता है। एक बार आपका रूटीन बन गया ना तो आप सारी चीज कर सकते हो, फिर आपको कोई चीज ऐसी नहीं लगेगी यार ये टेस्टी नहीं है, उन चीजों में सब में टेस्ट आने लग जाएगा आपको। जैसे अंडे मैं ऐसे खा लेता हूँ और कई कई बंदे जाते ओट्स अच्छे नहीं लगते, मैंने कहा यार मेरे को तो ओट्स इतने अच्छे लगते बहुत ज्यादा। भाई ओट्स खाओ, अंडे खाओ, राइस चिकन या जो वेज पे हो तो राइस पनीर खाओ, ओट्स में अपना प्रोटीन डाल लो, सबसे बेस्ट है। और भाई कल मैंने इतना डाइट अच्छे से फॉलो कर ली ना, मैंने सोचा नहीं था बाहर जाते हैं मैं डाइट फॉलो अच्छे से कर लूंगा, तो मैंने अच्छे से डाइट फॉलो करी, सारी चीज करी देख लो। तो चलो जी आपको और भी चीजें दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई नहा धो के रेडी मिले हैं सीधा की सीधा, क्योंकि भाई मैडम आ जाए ना उठने का नाम में ले रही थी पहले तो, और फिर मैं जब सोने लगा तो ये उठ के रेडी होगी। तो यार मेरे को बोल रही थी कह रही थी दोबारा सो जाते हैं और खुद खुद उठ रही। और भाई आज है ना एक चीज और, मैडम ने अभी तक जो मैं पर्स लाया था वो अभी तक खोल के बिना देखा है, वो खोले हैं। और जो मैडम ने घर से गिफ्ट आया था मतलब जो इसी बहन ने गिफ्ट दिया था वो देखो, ठीक है ना। तो आज गिफ्ट ओपनिंग की वीडियोस रहेगी, ठीक है। तो चलो जी देखते हैं, मैं इतना अपना डाइट वाइट बना रहा हूँ, ये अपना मूली और परांठा बना रही और फिर बहुत गुंडे बाद मार रहेगा हो गया। देखो तो भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन प्रोसेस है, सबको आता है, आते जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन ये बड़ी मूली से नहीं आते, ये तो मतलब जानवर का भी आने भी चाहिए। चलो भाई मैं अपना चिकन विकन बना लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। मैडम जी ये गिफ्ट कैसा लगा आपको? मेरे को यार अच्छा लगा। So cute, मैडम का भाई बैग ना थोड़ा सा फट गया था, फट नहीं गया था वो सिर्फ यहाँ से निकल गया था, निकल गया था। मैंने कहा ठीक कर लूंगी वैसे में, पर कोई बात थी न्यू आ गया है तो ये भी अच्छा है। और भाई इसके दीदी जीजू ने ये गिफ्ट करा है ये मेरे को, जब इसने ओपन कर था ना इसके ब्लॉग में देखना, जब भी मैंने बता दिया क्या होगा इसमें कन्फर्म बता दिया मैंने की हमारे घर में यही दो आते हैं हमेशा, ये शिव जी और पार्वती भी दे सकते हैं वो मर्जी है ना, देना चाहिए। और भाई तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तो आ लेना, ये एक कप सेट दिया है मैडम को, ये ट्रे अच्छा लग रहा है ये भी, और बच्चों ने भी कहते हैं मैं जल्दी खोल के इसमें चाय पीऊंगी। बच्चों ने कहते हैं ये वो दिखाओ, बच्चों ने सबसे क्यूट गिफ्ट मुझे ये दिया है जिसमें ये छोटा सा बेबी और छोटी सी बेबी गर्ल है, हां एंड ये वो सबसे ज्यादा क्यूट लगा है, नाइस ना, ये सबसे ज्यादा क्यूट लगा है, बहुत अच्छा है। और ये कुछ फ्रेम्स दिए हैं ये रखने वाले हैं, हाँ इस पर गर्ल्स बनी हुई हैं, मतलब कहाँ से लाते हैं वाली चीजें मुझे समझ नहीं आता, एंटीक बच्चे एंटीक चीजें लाते हैं, पर जो भी है अच्छा है। आपको अच्छा लगा सारे देखो, देख पर्स अच्छा लग रहा है तो मैं सीखो इस्तेमाल करूँ, क्या बोल क्या बोल रहे हो, मैं प्यार कर रहा था कुछ कर रहे थे वीडियो में, प्यार कर रहा था, प्यार कर रहा था क्यूट सा पर्स, पति की तरह क्यूट। आप क्या खोल रहे हो इसमें? क्या है? मैं खोलूँ क्या इसको भी? चुप रहना। हाँ पेन कुछ ना कुछ कर दिया है तू। अपना दिमाग खोल ले जा जाना। खोल भी नहीं रहा आपसे तो, क्या कूड़ा भेजा है क्या? लिपस्टिक एक किली मंगाई है मैंने, देखो अरे एक किली मंगाई है मैंने देखो यार, ऐसे ऐसे ठीक नहीं रहता ना, किसी और को गिफ्ट है ये,
लोग बाद में बनेगा, पहले गिफ्ट बना दूंगी। क्या ये मस्क बॉम्ब? ये तो ऑयल और वो वैक्स है यार। खत्म हो गई क्या? खत्म होने वाली है। अगर तुम भर भर के अंदर तक लगाओगे तो बाल उड़ेंगे। मैं सिर्फ लगाता हूँ ऊपर ऊपर से, ऐसे कर ऐसे, ठीक है? बस बाल सेट और कुछ नहीं करना होता मुझे, ठीक है ना? चला सो जा। ये मैडम पता नहीं क्या बनाने लग गई आज। क्या बना रहे हो ये भाई? आज वो है देव उठने की आस है। ये भगवान जी के भाई पैर हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। जो मन से बनाए उनके लिए सब वही चीज है ना। कहाँ से सीखते हो ये चीजें आप? सीख के आई है। पक्की बात है? वैसे तो पूरे घर में भरे जाते हैं, लेकिन मेरी आसन नहीं है, पूरे घर में भाई अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, शोल्डर का वर्कआउट। तो जल्दी जल्दी शोल्डर का वर्कआउट निपटाते हैं और फिर एक फंक्शन अटेंड करते हैं, ठीक है? चलो जी। हेलो, तो फर्स्ट वर्कआउट है? या फर्स्ट वर्कआउट। ओके, या मैं थोड़ा पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। वेरी गुड। कितने का था ये डंबल? 44 का। मेरे वेट जितना? 80 हूँ। अरे एक डंबल तो काउंट होता है वेट के लिए। तो बोलते तो ये ना कितना वेट आ रहा है, 40 ऐसे ही बोलते हैं ना, या 80 बोलते हैं? ठीक है। अरे इसमें भी यही पढ़ा लिखा है। 5, 6, 7, 1 अब जैसे इसने बोला ये 80 किलो का था, 40 नहीं था। ये 80 था, 40 नहीं था। तो चलो भाई रेडी शेडी होंगे भाई, अपना वर्कआउट तो होंगे ना, अब रेडी शेडी होंगे भाई, अब चल दिए पार्टी में जाना था। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचे भाई। लेट तो बहुत हो जाऊंगा ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि भाई जाम इतना लग रहा है ना कसम से, बहुत ज्यादा। तो चलो जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई ये जो बीच में ये है दोस्त और इसकी व्यू देखना यार, कितना मस्त लग रहा है ना। ये सोना एक्सप्रेसवे है, सॉरी मुंबई से जो जोड़ता है, मुंबई एक्सप्रेसवे। और यार व्यू देखो एक नंबर का यार। गुड़गांव में ना ये जो यहाँ का बादशाहपुर से लेकर यहाँ वाला एरिया है ना, ये अलग ही व्यू देता है भाई सच में। और कॉर्पोरेट ऑफिस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो भाई शादी तो अटेंड कर गए हैं, मैं अटेंड ऐसे ही कर गया था, मैं तो गया उससे मिला, मतलब यूं हो जाता है ना आदमी को, भाई हाँ चलो आया था, फोटो वोटो होगी भाई के साथ, वीडियो बन गई, बस इतना ही चलता है यार। फिर मैं खाना वाना तो कुछ खा के नहीं आया, थोड़े से फ्रूट्स खा के अपना, मैंने कहा यार चलता हूँ यार। तो चलो अब भाई मैडम पहुंच चुके यार, ये इनके साथ बैठ ली पूजा मैडम, और के साथ इनके घर पे गई हुई है। तो चलो जी मैडम को लेकर आते हैं, मैडम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो देखते हैं, ठीक है? मैडम मेरी बीवी किडनैप कर ली। कर ली। और फिरौती कितने की है? 20 करोड़। 20 करोड़ कहाँ से लाऊं? ये कैश चाहिए, कैश। मैडम मेरे को रख लो, मैं तो काम भी कर दूंगा। देख लो आपका फुके धोखेबाज निकला। ये बोल रही थी कि मेरे को, और आपके साथ क्या अत्याचार करा? फ्लैट लेना है, किडनैप कर लेते हैं। डंडा क्यों रख रखा भाई? क्यों? भाई बहुत बुरा हाल कर रहे हैं ये दोनों। तो मैं छोड़ूंगा अकेला आपको, आप मेरे साथ ही चलोगे हमेशा? मैं तो
दवाई दारू सब लाई थी उन लोगों के लिए यहाँ कॉफी लेट मिल तो आज भी सकते थे आज कैसे अब वो दिल्ली की यार यहाँ कैसे आ जाएगी कैसे आ जाएगी मैडम आप बताओ वो डिफिकल्ट हो जाएगा तो क्या कह रहे हैं गुड़गांव में जाम भी तो लगता है तो डर लगता है चलो बैठो गाड़ी में चलो चलो देख ले आज भी चलो खाना चाहिए या नहीं चाहिए खाना दूध दूध चाहिए या नहीं चाहिए चल बैठ गाड़ी में क्या ले जाते ना अरे तू कहाँ बनाता फिर ले जाता टाइम लग जाता ना अब कौन सा आप लेट आए हो चुप रहो बैठो गाड़ी में चलो भैया क्या लग रेल बना रखे तुमने यार आ जाओगी आप तो सिर्फ इन्हीं के साथ हो अब देखो आपकी बीवी को कह रहे हैं आ गया और गाड़ी चढ़ा रहे कुछ नहीं बोलोगे ना उस दिन की रील बना रहे हैं हाँ वो सही है ना भैया खा दो इन्हें खा दो बाय बाय पनीर खाते हैं बढ़िया है यार आप तो कते छाती में पीछे पीछे यार थे करते मैं तो वो राजीव चौक पहुंचूंगा राजीव चौक इतना पास है क्या से और क्या ये बिल्कुल सुनो सुनो चलाते मैं चलाता हूँ आराम से तेज देखो देखो और को लगा कि अब गाड़ी में नहीं मारोगे कुछ बाय मैडम थोड़े चढ़ानी पड़ेगी यार आप बहुत सही हुए बाय बाय भैया बाय बाय भैया बाय पिंकी बाय बड़े भैया मिस यू मिस यू बाय आप चले चलो जी आप क्या कर रहे हो राज में ऐसे पूछ रहे आपको नहीं पता अपने ब्लॉग में आप बताओगे ना भैया आप बताओ सारी चीजें आपने क्या बनाया है ये क्या है मैडम ये विष्णु जी है देखो इसमें लक्ष्मी जी विष्णु जी बनाए हैं क्योंकि आज एकादशी है और देव उठाने इसमें दोनों भगवान जी पूजे जाते हैं 12 बजे इसलिए कराए क्यों कराए वो बताओ 12 बजे के बाद इसलिए कराए क्योंकि लोग बोल रहे हैं 12 तारीख का है एकादशी वाले दिन अब 12 बजे का दिन लग गया दूसरा तुम्हारी एकादशी भी हो गई हमारा देवोत्थान भी हो गया और कल तुलसी जी के साथ इनका विवाह होगा तो हम दिए जलाएं कल आंगन में खूब सारे ठीक है अब पूजा हमने कर ली है इसमें भाई प्रॉपर सबको पता ही है खील बताशे अन्न हो गया फल फ्रूट सब्जी सब कुछ हो गया दिया मैंने जला ही दिया और अब हमारी पूजा होती है यहाँ पे संपन्न तो भाई शादी भी अटेंड करी है और भाई अपने यहाँ से पूजा भी कर ली और पूजा में पास भी हुए हैं कैसा रहा right. है ना मजा आ गया तो भाई आज मजा तो आ गया पर तू कितना है फोन मारी बचा ली देख ले आज से भाई आज है 12 नवंबर और आज से सबकी शादी शुरू हो जाएंगी जिसकी लगन में गए थे उसकी भी शादी हो जाएगी इसके बाद भगवान सबका कल्याण करे और सबको सुखी करे और सबको बुद्धि भी दे शादी के बाद बुद्धि की ज्यादा जरूरत पड़ती है कुछ लोगों में बुद्धि नहीं होती तो उनकी शादी चलती नहीं है जो शादियां करे भगवान उनकी शादी निभाए और निभाने का इतनी हिम्मत दे और बुद्धि दे ज्यादा ना सुने हाँ ज्यादा सुनना ठीक है ठीक है ठीक है प्यारी दिल तो इस लोग को ये एंड करते हैं सोते तो चलो हैं भाई कल हम बहुत सारे दिए जलाएंगे जब तुलसी जी के सामने जलाएंगे कल उनका ही दिन है ठीक है राधे 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 राधे